मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वाभिमान परिषद के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष घनश्याम जी। अब आप सवाल चलिए, आप जाति भेद तोड़ों समाज जोड़ों से जुड़े हैं और जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर एक हिंदू धर्म और ब्राह्मण समाज की आइडियोलॉजी से नहीं उनका एक जुड़ाव था, तो आप यहाँ पे किस तरीके से जुड़े और इसको क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, अभी आप कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का उस ब्राह्मण से जुड़ाव नहीं, आप इतिहास उठा के पढ़िए। बाबा साहब अम्बेडकर जो वो ब्राह्मण परिवार से ही उनका पालन पोषण हुआ था और उनको शिक्षा दीक्षा मिली थी, तो हम आज नया नहीं जुड़ रहे हैं। ये तो हमारा इतिहास पुरानों से हमारा संबंध है, नया थोड़ी नहीं। अब इसको करना क्या है कि कोई नेतृत्व करे और जो राजनीतिक दलों ने हमारे समाज को बांटने का कार्य किया है, आज ऑल इंडिया ब्लू टाइगर के माध्यम से हम हर समाज खुद भी जुड़े हैं, अन्य समाज को भी जोड़ते हैं। जो धर्मों को अलग अलग तरह से लोग देख रहे हैं उस सबको एकजुट कर हम लोग मानव धर्म का रचना करेंगे। बाकी बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, ऐसा नहीं कि हमारा नया जुड़ाव है, दलित ब्राह्मण का नया जुड़ाव तो पूरा इतिहास में आप जाइए, बाबा साहब अम्बेडकर के आप पढ़िए तो कहाँ से उनका दीक्षा और पालन पोषण हुआ है, उनका जो संस्कार है। आज वो ब्राह्मण समुदाय के संस्कारों को जब उनके रोया गया तो देश के महानायक के रूप में उभर के आए, और मैं आपसे वादा करता हूँ उसी रास्ते पे उनके विचारधारा पे चलते हुए ऑल इंडिया ब्लू टाइगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष विलास मुखोपाध्ये जी चल रहे हैं, आने वाले समय में इतिहास में ये भी महानायक के रूप में याद किए जाएंगे, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल रहा हूँ। ब्राह्मण जो है मानने वाले तो ऐसा बहुत अच्छे तरीके से मानते, नहीं मानने वाले नहीं मानते, उसमें कोई स्लाइज नहीं है कि कोई माने, लेकिन ये इनका शब्द जो होता है वो ब्रह्म का शब्द होता है, इसलिए मैं आपसे यहाँ